गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, जी। वेरी गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज सही आ रही है आवाज मेरी? सही आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, ये हैश अच्छा, हैश ये करके हैश फोन हैश है भाई, करके क्या फोन नाम है है? भाई, क्या नाम है? सुनील, बाकी लोग कहाँ सुनील, हैं? बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी आ ही रहे होंगे, सब कर रहे होंगे दुआएं बस। अच्छा चलो। सर वो दूसरा जो नोट था ना सर, ईएमएफ वाला, उसमें सर एक जगह ऐसे दे रखा है कि फ्रॉम इक्वेशन 1.01 एंड 1.02 कि वी कैन देन इक्वेशन 1.01 और 1.02 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, और सर उस नोट्स में केवल अच्छा वो 1.02 ही मेंशन कर रखी है सर इक्वेशन, अच्छा फैराडेज लॉ वाले में? फैराडेज लॉ वाले में। चलिए मैग्नेटिक फ्लक्स वाले में। मैग्नेटिक फ्लक्स वाले में मैग्नेटिक फ्लक्स वाले में। कोई बात नहीं, तुम मेरे कोई पास बात शेयर नहीं, कर तुम मेरे सकते पास थे शेयर ना कर सकते थे ना। सर। उस टाइम मैंने वो नोट्स देखा नहीं था ना सर, इतना आज देखा सर, कल शाम को। अच्छा अंकित, वॉइस आ रही अंकित, है मेरी वॉइस आ सही? रही है मेरी सही? यस सर, यस सर। चलो बाकी लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या पता सर, मतलब पढ़ाई से इतनी मतलब कैसे पढ़ाई नफरत से हो इतनी रही है आप कैसे नफरत हो रही है लोगों आप लोगों को? अच्छा को? नहीं सर, मतलब वो ऐसे है, रिकॉर्डिंग जो होती है सर वो देख लेते हैं वो बाद में। नहीं, वो तो नहीं, वो ठीक है, तो लेकिन ये ठीक भी तो है, जरूरी लेकिन है। ये भी अगर जरूरी मान लो है। भाई अगर मान साहब लो भाई क्लास साहब रिकॉर्ड नहीं हुई, क्लास सर्वर रिकॉर्ड नहीं प्रॉब्लम हुई, हो गई, सर्वर कुछ प्रॉब्लम फिर? हो गई, कुछ फिर ये तो सर अब क्या बताएं। नहीं, लाइव नहीं, में लाइव में कोई डाउट कोई हो डाउट वो भी तो हो चलेगा वो भी ना। तो चलेगा ना। ये तो है सर। शुरू करें फिर? शुरू करें फिर? यस सर, यस आज सर, यस आज सर। से अभी एक बार बताना बेटा, वॉइस आ रही है सही? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज वॉइस रिपीट हो आज रही है वॉइस यहाँ पे। रिपीट हो रही है यहाँ पे। चलो माइक ऑफ करो चलो अपना। माइक ऑफ करो अपना। देखिए, अभी तक हम लोगों ने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टडी कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे लेंज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इसकी कुछ अप्लीकेशन भी देखेंगे. इम्पोर्टेंट टॉपिक है. फैराडे ने सिर्फ हमें ये बताया था चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उसके अंदर हो जाएगा इंडियम, और यदि वो कंडक्टर एक क्लोज्ड कंडक्टर की फॉर्म में है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट भी देखने को मिलेगा. लेकिन एक्शन क्या है? में मिलेगा वैसा है नहीं ये. आई एक्सप्लेन इन बेटर वे. तो वीडियो समझिए. ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखिए. लेंसेज नो इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ current used by magnetic field is induced current opposes the initial changing magnetic field which produced it. देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ एक चीज. डेफिनेशन तो आप देख लेंगे ठीक है. ये डेफिनेशन में आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर यहाँ बताऊं तो क्या है इस लाइन का मीनिंग. लेंज़ लॉ की स्टेटमेंट का बेसिक फंडा क्या है कि जो हमारे पास में फैराडे ने जो बताया था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करा देगा, करंट इंड्यूस करा देगा, तो उससे क्या होगा, वो जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी तो बेटा अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा चारों ओर, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उसका अपोज करेगा. दिस इज द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए. रिपीट कर रहा हूं अगेन कि जो हमें फैराडे ने बताया था कि करंट इंड्यूस हो जाएगा जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कंडक्टर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में कोई कंडक्टर आएगा, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अपना एक खुद का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा. ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज होगा जिसने इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस किया. बस ये डेफिनेशन है. तो यहां से मैं एक बार आप लोगों के लिए रिपीट कर दिया है, डेफिनेशन को आप देख लीजिएगा. आगे देखिए, ये जो करंट की डायरेक्शन है ठीक है, ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. 10th क्लास में पढ़ा, हम आगे आपको बता देंगे. और जो बेसिक फंडा है जो फैराडे ने हमें बताया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ठीक है, वो फ्लक्स के साथ उसका क्या रिलेशन होगा, हम लोगों ने देखा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज डीफाई बाई डीटी ठीक है. यहीं पे ये जो नेगेटिव साइन है, कल मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, ये जो नेगेटिव साइन है यही हमें क्या बता रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ठीक है, वो क्या करेगा, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसी का अपोज करेगा. ये नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन इज यूज. हम एग्जांपल से भी समझेंगे, नीचे एग्जांपल दिए हैं. अब आगे अगर मान लो जो कंडक्टर जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है ठीक है, एक सोलेनोइड की फॉर्म में है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं ठीक है, तो हमारे पास में रिलेशन क्या बन जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का,
वही जो कल बताया था, इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, यहाँ पे n हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे पास में बेसिक जो लेंजिस लॉ है वो इस फॉर्म में बन करके तैयार हो जाएगा कि E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, वेयर n नंबर ऑफ टर्म्स, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स और t टाइम। नेक्स्ट, अब इस चीज को हम थोड़ा सा एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने नोट करके भी लिखा हुआ है कि व्हेन ए करंट इज इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड दैट दिस इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस विल क्रिएट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, कि जिसने करंट इंड्यूस कराया है मैग्नेटिक फील्ड ने, वो इंड्यूस्ड करंट अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, इतना लेंज़ लॉ ने हमें बताया। अब इसको आप एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करें। यहां देखिए, पहले फिगर वन की हम बात कर रहे हैं, ये वाली फिगर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो ये बार मैग्नेट, ठीक है, ये आपके पास में कोई कॉइल बना रखी है इस टाइप से, ठीक है, अंदर की तरफ ये बार मैग्नेट जिसका इधर क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये अंदर की तरफ मूव कर रही है, क्लियर। तो हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमें मालूम है, नॉर्थ टू साउथ रहेगी, ऐसे हमें नॉर्थ टू साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। अब लेंज़ लॉ ने तो बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, यानी कि एक नया मैग्नेटिक फील्ड और सेटअप हो जाएगा इस कंडक्टर के चारों ओर, ठीक है, जिसको आप नाम देंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, जब आपकी जो बार मैग्नेट है वो अंदर की तरफ मूव कर रही है, क्लियर, तो अपोज होने के लिए ये होना चाहिए और करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी उस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, तभी तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये होगी और ये इसका अपोज करेगी। अब देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने का वो ये है कि आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा तो फिर तो ये इस साइड मूव होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, उस केस में इस बार मैग्नेट के ऊपर एक्स्ट्रा वर्कडन किया जाएगा इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को ओवरकम करने के लिए, यानी कि इसके ऊपर जीत हासिल करने के लिए हम लोग इस ओरिजिनल बार मैग्नेट की मूवमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा वर्कडन करेंगे, यानी कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इसका जो मोशन है ये स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होगा, स्लाइटली इसके अंदर पावर थोड़ी ज्यादा होगी ताकि इसका अपोज ना किया जा सके, नहीं तो फिर उस केस में क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर कोई करंट इंड्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इसका अपोज करा देगी तो उस साइड जाएगा, क्लियर। तो हमें थोड़ी सी इसके अंदर एक्सटर्नल पावर जो है ज्यादा रखनी पड़ेगी। अब ये वाला पॉइंट तो क्लियर है कि जब ये बार मैग्नेट अंदर की तरफ मूव कर रही थी तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, जो कि करंट की इस डायरेक्शन की वजह से हमें देखने को मिली। अब ये मैग्नेट तो जब यहां तक आ चुकी होगी मान लो, ठीक है, तो उसके बाद ये उस डायरेक्शन में वापस भी जाएगी क्योंकि हमें चेंज कराना मैग्नेटिक फील्ड को, तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, जब ये वापिस बाहर जा रही होगी, ये हमारी ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड वापिस बाहर जा रही होगी, तो फिर से क्या चाहेगा,
कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अब, क्लियर? क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि ये करंट की डायरेक्शन उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी कि ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। पहले जब ये बढ़ रहा था तो इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी मिल रही थी कि इसको घटाने की कोशिश कर रहा था, अब ये घट रहा है तो इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अपोज ही तो करना है ना, उधर जा रहा है तो नहीं जाने देना इधर, इधर आ रहा है तो नहीं जाने देना इस साइड, और इनके बेसिस पे ही करंट की डायरेक्शन, ठीक है? जब ये अंदर की तरफ आ रही थी तो करंट की डायरेक्शन ये थी, और जब ये बाहर की तरफ जा रही है तो करंट की डायरेक्शन ये। अच्छा पहले अभी ये बताओ, इतना किसी को कोई डाउट? हाँ अंकित बोलिए। हाँ अंकित बोलिए। सर ये जो टर्मिनल है सर, कंडक्टर के, कंडक्टर के, हाँ इसमें सर फिगर वन में तो सर ये में तो सर ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फिगर वन में सर, फिगर वन में सर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट जा रहा है सर, जब ये बार मैग्नेट अंदर की तरफ, आगे बोलो, आगे बोलो सर। करंट तो सर पॉजिटिव से नेगेटिव में होता है। हेलो, करंट तो सर पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है सर। हाँ हाँ क्या बात होगी फिर? तो इसमें सर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है सर। देखिए ये केवल समझाने के लिए आपको, करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पे ये थोड़ी है, इसका मतलब कि ये बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे कंडक्टर है आपके पास में, कंडक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने, वो कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है यहाँ पे। हाँ वही डायरेक्शन ही तो नहीं, यहाँ पे ये कोई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल थोड़ी है ऐसे आपके पास में। अंकित ठीक है सर, ठीक है सर। तो बेटा ये बैटरी के नहीं है, यहाँ पे तो एक रजिस्टर कनेक्ट किया गया है, बस ये बताया गया है कि उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, बैटरी होती ना तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे तो एक लोड रजिस्टर कनेक्ट किया गया है बस ये। और कोई डाउट? नो सर, नो सर, नो सर। वेरी गुड। हाँ अंकित बोलो। अंकित पूछ रहे हो क्या कुछ? आगे बढ़ू फिर मैं? नो सर। ठीक है फिर। अब यहाँ एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब भी ये पहले वाले केस की बात कर रहा हूं अभी मैं, कि जब भी आपकी ये जो बार मैग्नेट है अंदर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, तो उस केस में ये जो आपके पास में जो कॉयल बनी हुई है, कंडक्टर बनी हुई है, ठीक है, सर्कुलर कॉयल लगा लो या फिर कोई भी सोलेनोइड लगा लो, तो उसका ये जो इधर वाला फेस है ये नॉर्थ पोल की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। तभी तो आप लोग समझ सकते हैं ना कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसका अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ पोल होगा और इधर से भी नॉर्थ पोल आ रहा है, तो एक दूसरे का अपोज करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे अपोजिशन देखने को मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से अपोज तो नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने ताकत थोड़ी ज्यादा अप्लाई करी, ठीक है। और जब ये बार मैग्नेट बाहर की तरफ मूव करेगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास में कॉइल है इसका ये जो राइट हैंड साइड वाला एंड है ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। ये जो इस साइड जो एंड है राइट हैंड साइड में ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ये अपने आप नॉर्थ पोल हो जाएगा। ऊपर वाले केस में
ये इस साइड वाला नॉर्थ पोल, तो ये साउथ पोल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। जब ये बार मैग्नेट बाहर की तरफ जाएगी तो ये वाला एंड साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा और ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और जब ये बार मैग्नेट अंदर की तरफ आएगी तो ये नॉर्थ, क्योंकि यहाँ लेंजेस लॉ ने हमें बेसिक है कि फंडा बताया है कि ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करना है, यानी कि बढ़ रहा है तो उसको कम करने की कोशिश, बढ़ाने की कोशिश करना, क्लियर, यानी कि चेंजेस का अपोज करना है यहाँ पे बस। ये हमारे पास में जब हमने नॉर्थ पोल को लिया, ठीक है, अंदर बाहर मूवमेंट कराई, अगर नॉर्थ पोल की बजाय साउथ पोल हो तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। साउथ पोल में हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे देखने को मिलती हैं, अंदर की तरफ, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ मूव कराएगी तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये मिलेगी, ठीक है, अंदर की तरफ, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, अपोज करना है, ठीक है। ऐसे ही जब ये बाहर जाएगी, क्लियर, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ये उस साइड, नेट जो चेंज देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, नेट चेंज तो आपको ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखने को मिलेगा क्योंकि उसमें ताकत ज्यादा है। देखो ये था आपके पास में पॉइंट बेसिक समझने का कि कैसे हमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपको एग्जाम में इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था। आपको जो एक्सप्लेनेशन देनी होगी एग्जाम्स के अंदर वो ये, एक तो डेफिनेशन रहेगी कि लेंजेस लॉ के बारे में पूछे, ठीक है, डायरेक्शन की बात करें, यहाँ पे लिख के बता सकते हो कि ऐसे, ठीक है, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो, एन नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके नेगेटिव साइन का जिक्र कर सकते हो। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ लेंजेस लॉ कि कहां कहां हम इसकी एप्लीकेशन, कहां कहां हम लेंजेस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक देखते हैं आप एडी करंट बैलेंसेस, जैसे हमारे ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह होते हैं, मोटर्स वगैरह होते हैं, वहां पे एक एडी करंट का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम। अभी जैसे ऑप्शन टाइप में आए आपके पास में क्वेश्चंस एमसीक्यूज के अंदर, तो वहां आप लोग अप्लाई कर सकते हो, वहां आप ये ऑप्शन मिले तो उसको टिक कर सकते हो। मेटल डिटेक्टर्स, ठीक है, एडी करंट डायनेमोमीटर्स, ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ ट्रेन्स, मैग्नेटिक ट्रेन्स, वहां पे भी इसको यूज किया जाता है कंसेप्ट को। एसी जनरेटर्स, देखो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, जनरेटर्स वगैरह, इनके अंदर भी ये जो एडी करंट्स है ना, उसी के बेसिस पे लेंजेस लॉ एप्लीकेशन यूज की जाती है। कार्ड रीडर्स और माइक्रोफोन्स, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, ज्यादा डिटेल में तो आपको जाना नहीं है, लेकिन ये बेसिक ये है कि एज ए ऑप्शन या फिर एज ए एप्लीकेशन आपसे पूछ ली जाए 3 या 4 मार्क्स के अंदर, तो आप लोगों को इतनी एप्लीकेशंस बता देनी है। तो आज के लिए लेंजेस लॉ हमारा पूरा हुआ। एप्लीकेशंस देखिएगा, डेफिनेशन देखिएगा, और वो देखिएगा जरूर कि जब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसी सर्कुलर या किसी सोलेनोइड के अंदर की तरफ मूव करे तो उसका जो मोमेंट की साइड जो पोल बनेगा वो फेस जो बनेगा नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और अगर अवे जा रही है, ठीक है, तो उस केस में साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये ऐसे आप लोग देखेंगे ना तो आपके उसके अंदर नोटबुक के बुक के अंदर भी बनाया हुआ है ऐसे इस टाइप से, ठीक है, और ऐसे ही जो साउथ पोल है ये डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, एन फॉर नॉर्थ पोल है ये, और इस टाइप से साउथ पोल के लिए साउथ, कि बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल
किसी सर्कुलर कंडक्टर के अंदर की तरफ मूव करेगा इस टाइप से, ये बार मैग्नेट नॉर्थ पोल मूव करेगी, ठीक है, तो उस केस में ऐसे आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट टाइम और ज्यादा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी कोई पूछना हो, कोई डाउट हो तो पूछिए अभी के लिए। सुनील नो सर, वेरी गुड नो सर, ठीक है बेटा। सचिन कोई डाउट? सचिन आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है बेटा, फिर कोई बात नहीं, वीडियो को देखिएगा एक बार अच्छे से और कोई डाउट हो तो, और अपने नोट्स प्रिपेयर करके, तुमने काम किसी ने नहीं भेजा, क्या दिक्कत है, क्या समझा जाएगा? वो नोट्स नहीं मिलेंगे क्या सर? नोटबुक में करना पड़ेगा सर, नोटबुक में करो। कर लो थोड़ा बहुत, जब कर लो थोड़ा बहुत जब तक हो, देखते हैं ना कितना आप लोग सीख रहे हैं। हाँ 26 सितंबर के बाद उसके वीडियो देखते। ओके ओके जी।